अगर आप लोगों को भी ऐसी मूवीज देखना पसंद है जिसमें फैंटेसी का एक एलिमेंट हो, तो ये हैं हॉलीवुड की टॉप 5 फैंटेसी मूवीज। नंबर 5 पे है लाइफ ऑफ पाई, और ये मूवी पाई पटेल नाम के लड़के के सर्वाइवल के बारे में है, जो इंडिया से एक शिप में बैठ के कैनेडा जा रहा होता है, पर रास्ते में उसकी शिप एक स्टॉर्म से टकराती है और पाई गलती से एक लाइफ बोट में गिर जाता है, और उसके साथ एक बंगाल टाइगर भी लाइफ बोट में आ जाता है। और बाकी की मूवी पाई पटेल और इस टाइगर के सर्वाइवल की है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर सूरज शर्मा है, जो पाई पटेल का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 4 पे है थॉर, और ये मूवी मार्वल के सुपर हीरो नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड थॉर के बारे में है, जो अपनी पावर्स के गवर्नमेंट में आ जाते हैं और ओडन की बात नहीं मानकर अकेले ही फ्रॉस्ट जायंट से लड़ने चले जाते हैं, और इसी के कारण ऑल फादर ओडन थॉर को आसगार्ड से भगाकर अर्थ में बैनिश कर देते हैं और वो थॉर की सारी पावर्स और वेपन्स भी ले लेते हैं। आगे की स्टोरी थॉर और उसके पर्सनल चेंज के बारे में है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर क्रिस हेम्सवर्थ जो थॉर का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 3 पे अवतार, और ये मूवी फ्यूचर में बेस्ड है, जहाँ पे अर्थ के रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं और इंसान अपनी ज़रूरत के लिए पेंडोरा नाम के एक मून से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पर पेंडोरा में नावी नाम के एलियंस रहते हैं जो नेचर से बहुत करीब होते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और ये मूवी का बेसिक प्लॉट है। और आगे की मूवी जेक सली नाम के एक पैरालीजिक और उसके पेंडोरा में एडवेंचर्स के बारे में है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर सैम वर्थिंगटन है, जो जेक सली का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 2 पे है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एंड द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, और ये मूवी जैक स्पैरो नाम के एक पायरेट और विल टर्नर नाम के एक ब्लैक स्मिथ के बारे में है, और ये दोनों मिलकर एक पायरेट शिप का पीछा करते हैं, जिसमें विल की लव इंटरेस्ट एलिजाबेथ को कैप्टन बारबोसा नाम का एक पायरेट अपने साथ किडनैप करके ले जा रहा है, क्योंकि एलिजाबेथ के पास विल का एक मेडेलियन है जिसके कारण बारबोसा कर्स्ड है, और उस कर्स को ख़त्म करने के लिए बारबोसा को वो मेडेलियन और उसे पहनने वाले इंसान की ज़रूरत है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर जॉनी डेप हैं, जो कैप्टन जैक स्पैरो का रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 1 पे है हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोस पार्ट 2, और ये मूवी हैरी पॉटर का लास्ट पार्ट है, और इस मूवी में हैरी और उसके दोस्त बचे हुए हॉरक्रक्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं, जिसके दौरान उन्हें प्रोफेसर स्नेप और डंबलडोर से रिलेटेड बहुत सारे नए सीक्रेट पता चलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हॉगवर्ट्स में स्टूडेंट्स और टीचर वोल्डेमॉर्ट से लड़ने की तैयारी करते हैं। ये मूवी हैरी पॉटर की सीरीज को एक परफेक्ट एंडिंग देती है, और इस मूवी के मेन कैरेक्टर डैनियल रेडक्लिफ हैं, जो हैरी पॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं।